हेलो मेरी वेटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? सबका स्वागत है आज की मेरे नए ब्लॉग में। और जैसे कि आज सुबह से लाइट नहीं है और लाइट आएगी शाम को। शाम को मतलब कि मे बी 8 o'clock और 7 o'clock दोनों कब आएगी, तो ये दोपहर का समय था। मैं बोर हो रही थी तो मैंने बोला चलो आज गांडे का थोड़ा प्लांट फूल जो है वो जो मेरे लगे हुए हैं उन्हें साफ कर लेते हैं और थोड़ा बरांडा भी साफ कर लेते हैं। वैसे तो मेट कर जाती है लेकिन आज मैंने सोचा मैं खुद ही अपने आप को साफ करूं। और कुछ है भी नहीं ब्लॉग में, मेरे दिन से आ नहीं रहा है उनका ब्लॉग, तो एक ब्लॉग भी बन जाएगा। और अपने बालकनी का भी थोड़ा सा मेकओवर कर लूँगी। देखिए छतरी है, बारिशें होती हैं तो फिर छतरी यहीं पर टांग देते हैं ताकि यहाँ पर मैंने स्पेशल लगा रखी छतरी टांगने के लिए देते हैं। और चलिए करते हैं बरांडे का मेकओवर। और आइए बाहर तक तो चलेंगे ना आप मेरे साथ, चलेंगे ना? तो चलिए। ये कोना दिख रहा है साइड का, तो ये कोना बहुत गंदा है। मैं चाहती हूँ कि बरसात से पहले मैं इस वाले कोने को बिल्कुल से साफ कर दूँ। तो अभी मैं करूँगी ये वाले कोने को साफ पहले, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। क्योंकि जो काम अपने आप से होता है ना वो करते तो हैं लोग, लेकिन फिर इतनी अच्छी तरह से ढंग से नहीं करते। तो मैंने सोचा चलिए आज उस तरफ इस कोने को संवार लेते हैं। तो आप भी चलिए मेरे साथ। ये देखिए वैसे इतनी गंदगी नहीं थी, मैं टाइम टाइम पे साफ करती रहती हूँ, फिर भी ये जो होता है ना ये देखिए इस प्रकार गंदगी। एक बार बरसात आने से पहले अच्छे से ये साफ़ कर लेना चाहिए। और ये था हमारा दरवाज़ा, जब मैंने बाहर ग्लेज कराया था तो ये मैंने दरवाज़ा निकाल लिया था। ये देखिए यहाँ सारे कितनी गंदगी हुई पड़ी है। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने अभी साफ़ किया है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, कैमरा नहीं था तब मैंने साफ़ किया। मैंने कहा चलो यार काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना दूँ। तो ये यहाँ तक चढ़ी हुई थी तो ये मैंने सारी निकाल के रखी है। वो देख ही रहे होंगे आप सामने, वो ये देखिए ये सारे यहाँ रखे हैं। और इस तरह से इस समय बरांडे का हाल है। ये जो गमले टूट गए हैं इसे भी मैं यहाँ से निकालूँगी। जो पत्तियाँ सूख गई थी वो भी मैंने काफ़ी हद तक निकाल दी हैं गमलों से, और जो घास फूस थी वो भी निकाल दी हैं। और मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूँगी यहाँ अच्छे से, फिर वो कोना कोने की बारी आएगी। पहचानिए इसे, पहचानिए क्या है ये, पहचानिए क्या है ये। आप जानते हैं इसे? नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। इसे कहते हैं सुधार यंत्र पहाड़ में। पहाड़ में उत्तराखंड के लोग और हिमाचल के लोग तो भलीभांति परिचित होंगे। इसे कहते हैं बिच्छू घास या बिच्छू पट्टी।
वो तो ये बिच्छू घास है, इसका साग भी बनता है, नेपाल वाले भी जानते होंगे क्योंकि ये पहाड़ी बूटी है, बहुत गर्म होती है, इसका साग भी बनता है। और इसको आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, इस पर छोटे छोटे कांटे लगे हैं, और ये अगर किसी के गलती से लग जाए तो जलन होती है बहुत देर तक, कम से कम आधा पौना घंटा इसमें जलन रहती है। और आधा पौना घंटा जलन तो मैं कह रही हूँ, इस बूटी के साथ हमेशा लगता है पालक, और तुरंत अगर उस पालक को घिस कर अपने जहाँ पर बिच्छू पट्टी लगी है उस स्थान पर लगा लिया जाए तो हो जाता है मज़ेदार और आपकी जलन मिट जाती है। तो मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए लाई थी कि ये बिच्छू घास है, और इसे पहाड़ में हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, जो वो नहीं मानते हैं तो डराते हैं, पर मैंने कभी नहीं डराया होगा बच्चों को इससे, क्योंकि मुझे पता है कि खूब जलन करता है ये। तो चलिए मैं अपना काम कर रही हूँ, बने रहें आप मेरे साथ वीडियो में। झाड़ू मार के तो मैंने सारा साफ कर दिया है, लेकिन देख नहीं रहा है, ये देखिए झाड़ू तो मैंने सारा मार दिया, लेकिन अभी एक बार पानी से धोना रहेगा, तो मैं पाइप लगाऊंगी और पानी से धोऊंगी। ये कुछ इस तरह से निकल के आई है मेरे ब्रांड की लुक, ऐसे मैं साफ कर दिया है, देखिए सूखने लगे हैं कुछ प्लांटर, ये यहाँ पे भी साफ हो गया है, और ये देखिए ये भी अच्छे से साफ हो गया है। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी मैंने साफ कर दी है, बूटा देखिए वो खड़ा है ब्रूटस, और इतने बजे हैं शाम के 5-3 बजे से मैं काम कर रही हूँ, 2 घंटे हो गए वरांडा साफ कर रही हूँ, अच्छी एक्सरसाइज भी हो गई आज। तो किसी की लाइफ में मैंने जाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो अपना घर का काम ही निपटा दे, थोड़ा बहुत जो भी है वो मैंने निपटा दिया, और मेरे मुँह पर पड़ रहा है सूरज, सूरज देवता घर के अंदर आ जाते हैं गर्मियों में, पर सर्दियों में नहीं आते हैं, तो यहाँ खड़ी होती थोड़ी, और मेरा हो गया है बहुत पसीने से बुरा हाल। अब मैं जाऊंगी नहाऊंगी, और लाइट का तो ऐसा है कि 8 बजे बोला है उन्होंने आएगी, कोई तार ऊपर जल गई थी सुबह, कुछ ट्रांसफार्मर में ऊपर हमारे घर ऊपर ट्रांसफार्मर है उसमें धमाका हुआ था, तो बोलते कि आज हमें काम करते करते 8 बज जाएंगे, पहले बोले थे 4 बजे आएगी, फिर बोला 6 बजे आएगी, अब 8 बजे बोल रहे हैं, भगवान जाने कब तक लाइट आएगी। तो मैंने सोचा चलो
अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, अपना एक ब्लॉग भी बन जाता है और साथ साथ अपना काम भी हो जाता है। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं नहाऊंगी क्योंकि बरांडे में से बुरा हाल हो गया है। सुबह भी मैंने स्नान किया था, अब एक बार और मैं नहाँगी, बुरा हाल हो गया है वहाँ पे की सफाई करते करते। और गीज़र तो नहीं था लेकिन मैंने गैस पे पानी गर्म कर लिया था, थोड़ा सा ही चाहिए क्योंकि सुबह अच्छे से नहाए हैं तो अभी तो सिर्फ कपड़े कपड़े ही बदलने हैं। ऑन दिस नोट मैं अपना व्लॉग आज यहीं समाप्त करती हूँ। आज मैंने अपने किया है वरांडे का थोड़े से मेकओवर, इसे मेकओवर ही कहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दिन फिर मेरे ही चैनल पर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो भी आप लोग गर्म इलाके में रहते हैं, पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर अपनी छत पर रखें प्लीज़। उन्हें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है, सब कुछ मिल जाता है, उन्हें पानी नहीं मिलता। तो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिएगा। प्लीज़ पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखिएगा। मम मेरे मुंह पे पड़ रहा है सूरज की यहाँ से रोशनी, तो मेरा आंखें इधर उधर हो रही हैं, तो माइंड मत कीजिएगा। तो इन्हें ऑन दिस नोट टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और बने रहिए, जो मेरे चैनल पर नया है वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, टाटा।